हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर बेल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 18। काफी बढ़िया दिन था। आज भी बढ़िया दिन स्टॉक्स के लिए था, क्योंकि इंडेक्स में कुछ इतने मूवमेंट नहीं थे, क्योंकि इंडेक्स में तो कल ही मूवमेंट हो चुका था। निफ्टी में अराउंड 200 पॉइंट्स कल, और गैप अप मिला के 400 पॉइंट्स का तो एक पूरा रैली खत्म हो चुका। तो आज पूरा टाइम उसने एक साइडवेज एक्शन दिया। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक आवरली चार्ट है, सिर्फ 1 घंटे का ये रैली था। बाद में कुछ नहीं किया उसने पूरे टाइम में। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, आज दो तीन कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा प्राइस एक्शन के, इफ यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ पे कल एक गैप अप रैली जो यहाँ पे स्टार्ट हुई और अनएक्सपेक्टेड थी इतनी बड़ी रैली। 14,900 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट क्लोजिंग ही 14,900 हो गया। ये जो प्रीवियस जो गैप था, देखो ये सब समझ में आना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन के छोटे छोटे नुस्खे जो लोग नहीं मेरे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते उनके लिए यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ। ये जो गैप था, ये गैप ही एक मेजर हर्डल था, बट कल का क्लोजिंग ही यहाँ पे काफी अच्छा था। तो आज ये गैप अप ओपनिंग श्योर शॉट था ही, मतलब इसके लिए हम लोग, मैं तो कॉल लेके चला गया था। आज मैंने कॉल्स वगैरह लिए थे ऑलरेडी, और जो बुक भी किए हमने अच्छे प्रॉफिट में, और कुछ फ्यूचर्स लॉट अभी भी पड़े जो हम लोग कल बुक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे देखो तो ये कितनी बार इसने एक हर्डल लिया है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक था, फिर ये हर्डल था, फिर यहाँ पे मेजोरिटी हर्डल से ये अवरली चार्ट है। ये गैप ओपन होके यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल टाइप स्टक हो गए थे बायर्स यहाँ पे, उस टाइप का कैंडल से। यहाँ पे देखो कितने टाइम्स तक हर्डल लिया था 14,972 का, और वहां से डायरेक्टली सेकेंड डे गैप डाउन, और आज इतने बड़े 1 2 3 4 के बाद डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ अबाउ 15,050 या 15,070 हम लोग बोल सकते हैं। दीज आर द मेजर हर्डल। उसके ऊपर जब तक अभी ये मार्केट है यहाँ पे इसके ऊपर, तब तक हम लोग बुलिश रहने वाले। और इस टाइप के गैप को हम लोग रन अवे गैप बोलते हैं, जो काफी स्ट्रांग होता है। ये रन अवे गैप में मतलब प्राइस भागते जाता है और हम लोग उसको कैच करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रन अवे गैप। अभी ये कल अगर इसको अगर सस्टेन हो गया 15,130 के ऊपर, तो नेक्स्ट बाउंड्री लाइन इज माई लाइक दिस 15,200। ये एक लेवल मेरा आ जाएगा, और नेक्स्ट जो भी कुछ है 15,284 से 300। फिर ये जो प्रीवियस हाई था 330, वहां तक 90% जाने के चांसेस है इस बार। 15,200 तो श्योर ही होगा कल। कल मे बी मैं बोलूँ कि गैप अप ही ओपन होगा, क्योंकि इसके लिए फिर हमने आज एक बीटीएसटी ट्रेड दिया। यहाँ पे देखेगा तो बीटीएसटी दिया मैंने मेरे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। 15,100 का कॉल दिया हुआ है बीटीएसटी, और मेरे पेड मेंबर्स को भी मैंने वो कॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप, क्योंकि आज का अगर आप ओआर डेटा देखोगे तो थ्रू आउट द स्टिल स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्शन ही था। विथ एंड एंड में क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट्स कवरिंग हो गए, क्योंकि शॉर्ट्स ट्रैप हो गए ना यहाँ पे एंड एम। तो ये कल और भी शॉर्ट्स ट्रैप होने के लिए रेडी है। ये जो मैं एनएससी के साइड से मैं बताता हूँ, दिस इज रेडीमेड ओआई डेटा शीट की, जहाँ पे आपको कॉल राइटर्स कितने हैं, एक्टिव पुट राइटर्स कितने हैं, पीसीआर क्या चल रहा है, वो सब मिला जाए। इसका एक पेड सब्सक्रिप्शन भी है। दोज आर इंटरेस्टेड वो लोग मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लोग नहीं लेना चाहते वो लोग आपके एनएससी के वेबसाइट से भी जाके आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि एनएससी के वेबसाइट पे भी वो मार्केट डेटा जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस, वहां पे वो आपको ओआर डेटा एनालिसिस क्लियरली दिखाई देगा। तो आपको ये एनएससी के ओआर डेटा शीट में आपको अगर दिखा रहेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल शॉर्टिंग हुई है। जो मैक्सिमम हुआ है 40,000 का यहाँ पे है मैक्सिमम, और यहाँ पे 43,000 है, 15,300। तो अगर कल अगर हम लोग थोड़े भी, आज तो क्लोजिंग हुई ही है, अभी भी ये शॉर्ट्स खड़े हैं, कल अगर हम लोग थोड़े भी इसमें से थोड़े कवर हो चुके रहेंगे 15,100 के ऊपर, अगर कल हम लोग गैप अप होते हैं जो होगा श्योर शॉर्ट, तो यहाँ पे जो भी कुछ अभी ये 39,000 लॉट्स जो खड़े हैं कॉल साइड में, कॉल शॉर्टिंग जो हुए हैं, ये कल थोड़ा भी अगर गैप अप हो जाएगा तो ये पूरा शॉर्ट्स कवर अप कर लेंगे अपने। मतलब यहाँ पे ये पूरा चेंज इन हुआ है जो भी कुछ है, ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आज हो चुका है 15,250 के प्राइस में, और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी जो इन द मनी कॉल्स में है ये पूरे शॉर्ट्स निकल चुके हैं। यहाँ पे आपको ये बेस्ट ना, ये मेरे शीट से मैंने बहुत सिंपल इसे, आपको कुछ नहीं यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखो फ्रेश शॉर्ट, मतलब पुट साइड में फ्रेश शॉर्ट। पुट साइड में फ्रेश शॉर्ट कौन करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मुझे तेजी करनी है, मतलब बुलिश साइड रहना है,
और यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब इन द मनी जो भी कुछ कॉल्स थे जो शॉर्ट करके रखे थे एक्सपायरी के लिए, उनको जो बड़े लोग थे उन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट कवर कर लिए, और एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग मतलब यहाँ पे पूरे ऑर्डिनरी बायर्स इंक्लूड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रेश लॉन्ग किया है ये सारे जो 15,100, जो अपने जैसे ऑर्डिनरी ट्रेडर है 15,100, 15,150, और यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बाइंग हो चुका है, और यहाँ पे 15,250 के यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, जो शॉर्ट कवरिंग मैंने आपको यहाँ पे बताई 15,250 के यहाँ पे, ये सेम शॉर्ट कवरिंग कल आपको यहाँ पे कल मॉर्निंग में आपको देखना, अगर थोड़ा भी गैप अप होता है और 15,100, 15,050, 15,050 में तो अभी आ चुकी थी आज शॉर्ट कवरिंग, तो यहाँ पे भी ये रीजन में भी अगर कल शॉर्ट कवरेंगे दैट लीड्स टू निफ्टी टूवर्ड्स 15,200, ये जो मेरा लेवल है ये लेवल, और अगर ये 15,200 भी क्रॉस कर जाता है तो दैट विल बी गिव अ प्रीवियस हाई जहाँ पे क्लोज हुआ था 15,300 तक वो लीड कर सकता है, ये था मेरा पूरे निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, ऑलरेडी ये जो भी कुछ हम लोग है अलगो में, हम लोग निफ्टी ऑलरेडी लॉन्ग कर चुके थे, यहाँ पे देखो मैंने बताया था हम लोग का एंट्री हुआ था 14,760 में, और ये अभी भी ये लॉन्ग खड़े हैं मेरे फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में वो लॉन्ग ऑलरेडी खड़ा हुआ है जहाँ पे 27,000 का प्रॉफिट है। निफ्टी अलगो में कुछ 5 to 6 मेंबर्स है जिनके यहाँ पे ये मेंबर चलो, क्योंकि निफ्टी अलगो हम लोगों ने ये मंथ से ही चालू किया था, और ये मंथ में हम लोगों ने जनरली अराउंड अबाउट 35,000 का प्रॉफिट बुक किया है, पहले सिग्नल में 8,000 का और अभी के इसमें 20, क्योंकि ये पोजिशनल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बहुत जन मुझे पूछते हैं मतलब ये जो भी कुछ मेरा निफ्टी का सिग्नल है ये जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जब भी वो बाय और सेल देता है ये लॉन्ग, और ये सेल हमने कैप्चर किया था यहाँ पे कुछ हमने 8 to 10,000 प्रॉफिट बुक किया था, ये रैली हमने मिस किया था क्योंकि तभी अल्गो का कुछ ये था, यहाँ से हमने एग्जैक्टली स्टार्ट किया लास्ट वीक से, दो ही ट्रेड बने, दो ट्रेड में 35,000, नॉट अ बैड डील एट ऑल। ठीक है, और यहाँ पे आप मैन्युअली भी बुक कर सकते हो अलगो में, वो एक फीचर रखा है मैंने। बैंक निफ्टी का देखते, तो निफ्टी के लेवल पता चल गया, और आज का एक मैंने ट्रेड दिया था, बहुत क्लाइंट्स मुझे पूछ रहे थे सर वो ट्रेड कैसे दिया था, मैंने पहले ही बताया था कि डेटा अगर बुलिश हो तो लोअर टाइम फ्रेम में देखो डॉट, यहाँ पे आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे जब ये ऊपर से ये डिप मिला यहाँ पे और ये डिप उसने होल्ड रखा, तभी जाके फिर मैंने यहाँ पे ये कॉल दिया था, यहाँ पे निफ्टी में ये कॉल दिया था, यहाँ पे ना 15,050 का ही दिया था, आई होप 97 में दिया था, और उसका 135 का टारगेट दिया था, आप यकीन नहीं करेंगे वो 138 तक गया था डॉट, 138 140 ये मेरा लेवल था वहां तक। तो ये जो लेवल्स कैसे फाइंड करने हैं फ्यूचर्स ऑप्शन में, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे डीप आएगा, वो सब मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ, दोज आर इंटरेस्टेड इन प्रो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे ये कॉल मैंने दिया था वो कॉल आपको टेलीग्राम में दिखेगा, यहाँ पे आज के परफॉर्मेंस में आप जाके यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लो आज का, ये देखो ये परफॉर्मेंस है, ये जो 15,150 का जो कॉल दिया था 100 पे दिया था, उसने 135 का टारगेट हिट किया, वो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली दिया था, ये कैंडल ने मुझे कंफर्म कर दिया था, क्योंकि डेटा थ्रू आउट द मॉर्निंग से बुलिश है, अगर डेटा मेरा मॉर्निंग से बुलिश है देखो ना यहाँ पे ऑलरेडी कहाँ पर भी बेरिश नहीं, अगर बुलिश डेटा है तो एवरी डीप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट जो मैं मेरे वर्ल्ड इसमें, और उसमें भी बहुत सारे बड़े फैक्टर्स भी होते हैं, सेम एज बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बना के राउंड वर्ड डबल बॉटम बना के यहाँ से रैली था। अलगो में हमने कल ये ट्रेड यहाँ पे बुक किया था मैंने पर्सनली, मेरे इसमें 16,000, और फिर मैंने कॉल्स लिए थे जो कॉल्स मैंने यहाँ पे गैप अप में बुक किए, और आज फ्यूचर मैंने फिर से कैरी किया बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ गैप अप टुमारो। ठीक है, टिल 34,300 तक एक रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज भी, आप देखोगे तो ये मेरा अवरली का एनालिसिस था जो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, ये ट्रेंड लाइन को कैसे रिस्पेक्ट करता वो देखो, ये अवरली में था, फिर मैंने 15 मिनट्स में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे 15 मिनट्स में आपको पता चलेगा ये डॉट ट्रेंड लाइन के यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से कुछ नहीं किया आज पूरे टाइम, इसने कुछ नहीं किया, मतलब आज बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं था ना, मैंने खुद ने लिया ट्रेड, जो मैंने लिया था वो जस्ट बुक किया मॉर्निंग में, जैसे गैप ओपन हुआ वो मैंने बुक कर लिया, ये गैप अप के यहाँ पे ये मैंने बुक कर लिया आज, ऑलरेडी 10,000 कुछ प्रॉफिट था एक लॉट में, दो लॉट थे तो दोनों लॉट वहां पे बुक कर लिया, क्योंकि फ्यूचर्स मैंने बुक किया था ना यहाँ पे, जब भी मैं फ्यूचर्स बुक करता हूँ अलगो में मैन्युअली तो उस दिन मैं कॉल ले लेता हूँ, क्योंकि ट्रेड अभी भी चल रहा है ना, ट्रेड कैसे लेते हैं हम लोग अलगो में, यहाँ पे 5 मिनट का सिग्नल होता है, देखो यहाँ से मेरा ये सिग्नल चालू हुआ था ऑलमोस्ट, और यहाँ से ये कई कई फ्यूचर अलगो चल रहे थे, मैंने आज कहाँ पे तो एग्जिट किया, यहाँ पे मैंने कल एग्जिट किया था और फिर मैंने कॉल्स लिए थे यहाँ पे,
आज भी मैंने कॉल्स ही लिए, मैंने निफ्टी के कॉल्स लिए, जो मैंने आपको बताया कि BTST के लिए कल के लिए आप ये कॉल लेके जा सकते हो, दैट इज निफ्टी का 27 15,800 का कॉल। मुझे शायद टुमारो ऑल्सो गैप अप लग रहा है, मुझे बैंक निफ्टी भी गैप अप, क्योंकि आज भी उसने कुछ नहीं किया है, आज भी यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन था, तो आज बैंक निफ्टी में कुछ है नहीं। कल के लेवल्स अगर मुझे बताने हैं, कल अगर इसके ऊपर ही अगर ओपन होता है ये लेवल के ऊपर जो होगा कल, बैंक निफ्टी के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, बट स्टिल अगर निफ्टी अगर उसको सपोर्टिंग देता है तो आप ये लेवल के यहाँ से बाइंग लेवल देखेंगे। जैसे ये 34,000 क्रॉस करता है, वन शुड टेक द एंट्री। आपका लेवल, एक्चुअल बाइंग का लेवल 34,000 के यहाँ पे, 34,000 क्रॉस करता है तो आप एंट्री लोगे, या ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आता है तो। बट मुझे लगता है कि आपको 34,000 के यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही स्पॉट में 34,000 का यहाँ पे अगर आपको लेवल क्रॉस होता है, वन कैन टेक द 34,300 का कॉल, जो मार्केट प्राइस पे चलता रहेगा, और आपको एक 15-20 मिनट में शायद ये टारगेट, क्योंकि वंस ये क्रॉस हो जाएगा 34,000, सेम है 34,000 में भी जो शॉर्ट कवरिंग रैली वहां पे आपको जो मिलेगी, डेटा स्टिल बुलिश है यहाँ पे देखो। बट जैसे निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली आई है, वैसे बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग रैली कल आई थी, निफ्टी में पेंडिंग है वो कल। यहाँ पे देखोगे तो ये फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी बने हैं पुट साइड में, जो निफ्टी बैंक निफ्टी को भी बुलिश जोन में लेके जाएंगे। यहाँ पे इन द मनी शॉर्ट कवरिंग हुआ है, और आउट ऑफ द मनी और ATM में फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए। जैसे मेरे जैसे ऑर्डिनरी ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर है, वो लोग ने लॉन्ग किया है ऑलरेडी, और जो बड़े लोग थे वो अपने शॉर्ट्स कवर करके जा चुके हैं। देखो अगेन, ये जो भी कुछ है मैं बोल रहा हूँ कि गैप अप होगा, गैप डाउन, ग्लोबल सिनेरियो यहाँ पे सपोर्टिंग होने चाहिए। जो मैंने मेरे ट्रेड थे, मैंने डिस्क्लेमर ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो मैंने ट्रेड लिया वही मैंने रेकमेंड भी किया। आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर, बट स्टिल प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के साथ आप वहाँ पे एंट्री लेके जा सकते हो। कहीं पोजिशनल स्टॉक्स देना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के, बहुत जन बोलते कि कहीं सर इन्वेस्टमेंट के साथ, मुझे एक स्टॉक्स आज नजर में आया था, डीमार्ट। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया था 3,000 के प्राइस पे, थोड़ा 40-50 रुपया बढ़ गया क्लोजिंग तक। कल आपको पता नहीं यहाँ पे एंट्री मिलेगा कि नहीं, बट माई इमीडिएट टारगेट्स आर 3,200 एंड 3,300 इन द 1 to 2 months में, या मार्केट इतना बुलिश है कि ये 1 से 2 दिन में भी आ जाएंगे, क्योंकि एक एक दिन में ये 200-300 पॉइंट्स का रैली देता है। जब ये रैली में होता है, देखो ये रैली में जब ये होता है, तो इसके लिए 200-300 पॉइंट्स रैली कवर करना नॉट अ बिग डील। तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है, मतलब अराउंड अबाउट एक 10% के लिए आप बेट लगा सकते हो, अगर आप 3,000 में बाय कर रहे हो तो। थ्री और आपका स्टॉप लॉस जो भी कुछ रहेगा वो रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे 2,850, क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे आपको होल्ड रखना है। जैसे आज मैंने मारुति का कॉल बताया था, बहुत जन पैनिक में थे, यहाँ पे एक और क्लियर कट एक चैनल में चल रहा था, अवरली के चैनल में, यहाँ पे देखो एक क्लियर कट चैनल में, या अवरली में भी चैनल दिखेगा, ये लाइव मार्केट में मैंने एनालिसिस किया था, क्योंकि मैंने मेरा ट्रेड होल्ड रखा है, अभी भी होल्ड रखा है, बट मैंने बहुत जन को CTC जाने के लिए बोला है कॉस्ट टू कॉस्ट। ये एक मेजर हर्डल, अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है 6,800 के ऊपर क्लोजिंग दे, दैट इज अ गुड क्लोजिंग। अगर ये कल लाइव मार्केट में अगर ये 6,850 क्रॉस कर लेता है, तो एक अगेन शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें भी दिखेंगी, दैट लीड्स टू 6,900, 950 एंड 7,000 तक ये मारुति के स्टॉक्स हो। क्योंकि आज अशोक लेलैंड वगैरह काफी भागे, बट एज कम्पेयर टू अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, उसके मुकाबले में ये भागा नहीं है, और काफी दिनों से हम लोग स्टक थे वो कॉल्स में, बट आज सडनली वहाँ पे एग्जिट मिला। 95 का एंट्री था और 88-85 में हम लोग को एग्जिट मिला वहाँ पे, सेफ ट्रेडर को। तो वैसे ये पेशेंस इज अ की, पेशेंस रखना पड़ेगा। स्पाइसजेट भी एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है, और एक राउंडिंग बॉटम, एक राउंडिंग कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है विथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यहाँ पे एक कप और ये हैंडल, और इसका ये ब्रेकआउट यहाँ पे बना हुआ है। तो 75 के ऊपर ये बाइंग जोन है, और मेरे इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 80-85 एंड 90 है इमीडिएट बेसिस पे। 75 to 90 मतलब ऑलमोस्ट काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, एंड स्टॉप लॉस आपका 70 रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। दीज आर द स्टॉक्स। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न द प्राइस एक्शन,
फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्रॉपर लेवल्स कैसे फाइंड आउट करने, तो आप मेरे प्रो बैच में ज्वाइन हो सकते हो। अगर डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।